झाबुआ पुलिस ने शनिवार को चांदी के आभूषणों की अवैध खेप लेकर जा रहे एक कैंपर वाहन को जब्त कर तीन आरोपियों को हिरासत में लिया है। कार्रवाई के दौरान करीब 80 लाख रुपए कीमत की 2 क्विंटल चांदी बरामद हुई है। आरोपियों ने चांदी की ज्वेलरी का पार्सल तैयार किया था। इन पार्सल को उन्होंने कैंपर में बने कैबिन सीट के नीचे और इंजन के आसपास छिपा दिया था। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि इस कैंपर वाहन में बड़ी मात्रा में अवैध रूप से चांदी के आभूषण लेकर कुछ लोग रतलाम की ओर जा रहे हैं। सूचना के बाद यातायात प्रभारी कोमल मीणा ने टीम के साथ अहमदाबाद इंदौर हाईवे स्थित फूलमाला फाटे के पास घेराबंदी कर वाहन को रोका। पुलिस ने कैंपर सवार तीन लोगों को हिरासत में लेकर वाहन की तलाशी ली तो बड़ी मात्रा में पार्सल दिखाई दिए। पार्सल को खोलकर देखा तो उसमें चांदी के आभूषण रखे थे। पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है। जानकारी के अनुसार चांदी की खेप भेजने वाली कोई पार्सल कंपनी ही है जो अवैध रूप से आभूषणों को भेज रही थी।